चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। सर सुनना ही नहीं कहना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि सर सुनने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या नहीं। मम्मी। बेटा आज इतनी लेट कैसे हो गया? मम्मी जैसे मैं स्कूल से बाहर निकला पापा ने कहा चलो शगु को घर छोड़ दे। फिर शगु? सॉरी मम्मी सेक्रेटरी को घर छोड़ दे। दैट्स इट। मम्मी तुमने इतना अच्छा फालूदा खिलाया। हाँ। और फिर भी इतनी सेक्सी थी। ओह माय गॉड। सॉरी। सॉरी क्या बच्चा, चलो चेंज करो जाओ। बात तो रूम में नहीं है। बाहर रूम में नहीं है, चलो मैं चेंज करा देती हूँ। कम ऑन। अरे आप रन रन। अगर मैं ये डायरी पढ़ लूं तो मैं वो सब कुछ जान सकता हूं जो जानना चाहता हूं। तुम्हारी डायरी यहाँ रह गई थी। तुमने ये तो नहीं सोच लिया था कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली होगी? सच बोल रहा था, मैं सच सुनने से नहीं डरता। मैं सच कह रही हूँ, अच्छा है तो मेरी डायरी पढ़ सकते। नहीं राधा, जब मुझे तुमसे कुछ पूछना होगा तो मैं तुम्हीं से पूछ लूंगा। थैंक यू। विस्की, आजकल तुम जब भी बाहर जाती हो बड़ी बन सवर के जाती हो, वो भी अकेले। चल क्या रहा है, जरे हमें भी तो बताओ ना। वही जो हर किसी के जिंदगी में कभी ना कभी चलता है। मेरी तो आधी गुजर गई, कुछ नहीं चला। कोशिश करो। मैं तो इंतजार करूंगी कोई आएगा मेरे लिए दुबई से। हाँ, दुबई वालों को कहाँ लड़की और घोड़ी में फर्क मालूम होता है ना। तेरी तो चल। क्या कर रहा है? ये क्या हल्ला मचा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? सॉरी मैडम। और तुम कितना बन सवर के कहाँ जा रही हो? कॉलेज नहीं जाती हो क्या आजकल? देखिए मैडम, आप हमें यहाँ पर शोर मचाने से रोक सकती हैं, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ ये पूछने का आपका कोई बिजनेस नहीं। ओके? तुम जानती हो ना कि मैं बिगर नोटिस के तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा सकती हूँ। मैडम, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ये ऐसे बदतमीजी फिर नहीं करेंगे। हटो। शाम के वक्त चाय पीने वालों को तो मैं इंसान समझता ही नहीं, लेकिन जब से तुम आई हो ये भी शुरू हो गया है। अगर आप सुबह भी एक ग्लास दूध पी ले ना तो कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा भाई? आपकी सेहत बनेगी। अब कुछ कम है? नहीं, फिर भी और अच्छी हो जाएगी। देखो तुम मेरी सेहत की फिक्र मत करो, अपनी चिंता करो। हमें ये देखना है कि कातिल तुम्हारे पीछे है कि नहीं। होगा, और उसने मुझे मारने की कोशिश की तो? देखो ये तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हें डराने की कोशिश भी की है,
तुम्हें पीछे हट जाने को भी कहा है, लेकिन आप बोलो, इट्स योर डिसीजन। नहीं, मुझे डर नहीं है, चले। ओके, तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। राइट। सवाल मत पूछो, चलो आओ मेरे साथ। अरे छेके तुम। राणा साहब, अभी तो हम दहलीज के बाहर खड़े हैं और आप हैरान हो रहे हैं, अंदर आने की इजाजत दीजिए तो आपकी हैरानी परेशानी में बदल जाएगी। हमने दोस्तों की परेशानी को हमेशा अपनी परेशानी समझा है, जेके पार्ट ऑफ द गेम। आओ तशरीफ लाओ और हुक्म करो, जान हाजिर कर देंगे। जान लेने वाला जान देने का दावा कब से करने लग गया? हम जान देकर दिल लेते हैं जेके, जान नहीं। वैसे आज ये तुम अपने साथ किस बच्ची को घुमाने ले आए? जानते हुए भी अनजान मत बनिए राजा साहब, माला है कस्तूरी बहन और आज इस पर कातिलाना हमला हुआ था। बड़े जालिम हो गए हैं आज के लोग, कली को फूल बनने से पहले ही मसल देना चाहते हैं। राजा साहब, मुझे यकीन है कि माला को मार डालने की कोशिश आपने की थी। अगर ये कोशिश मैंने की होती जेके, तो ये बच्ची इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं होती, इसकी लाश पोस्टमार्टम की मेज पर पड़ी थी। जाओ, कातिल की तलाश कहीं और करो, माला पर गोली मैंने नहीं चलाई थी। कम आइए मैडम, तशरीफ लाइए। आप ये कैसे जानते हैं कि माला को शूट करके मारने की कोशिश की गई थी? इसलिए कि जब तुम हम पर इल्जाम लगा रहे थे, तुम्हारी निगाहें मेज पर पड़ी पिस्तौल पर। क्या मैं इस पिस्तौल की जांच कर सकता हूं? नहीं जेके साहब, हमने जरूर कहा था कि आपके किसी काम आती हो तो आप हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप हमारी इज्जत पे हाथ डाल सकते हैं। पिस्तौल की जांच किए बगैर तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जाने के लिए तुम्हें कह कौन रहा है जेके? राजा साहब, अगर आप मुझे इस पिस्तौल की जांच करने से रोकेंगे तो मैं पुलिस को इत्तला करने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब तुम्हारी दुआ से पुलिस का आना जाना तो हमारे यहाँ शुरू हो ही चुका है जेके। एक बार और सही, ये बड़ा फोन। मतलब ये राजा साहब कि आप ये पिस्तौल पुलिस को दे देंगे मगर मुझे नहीं देखने देंगे कि गोली इसमें से चली थी या नहीं? यस जेके, पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि पुलिस का तो काम ही यही है। लेकिन एक दोस्त को ये जेब नहीं देता कि दूसरे दोस्त के दामन पे हाथ डाले। फोन। रानी साहिबा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज इस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी या नहीं। मतलब? मतलब ये कि आज माला पे हमला हुआ था और मेरा शक राय साहब पे। क्या आपने इस पर हमला किया? तुम क्या मुझे एक पागल खूनी समझती हो? तो फिर संकोच किस बात का है? तसल्ली कर लेने दीजिए। लीजिए जी के साथ, देख लीजिए। I'm sorry राजा साहब, मेरा शक बेबुनियाद था। Part of the game जेके, मैंने तो पहले ही कहा था। तुम महफिलों में गाना गाती हो माला? नहीं रानी साहिबा, माला गाती नहीं। जेके, शायद तुम मेरे सवाल से खफा हो गए। जी। दरअसल मैं तो गाना गाने वालियों की बहुत ही कदर करती हूँ। आइए बैठिए। जी नहीं रानी साहिबा, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। आओ माला।
And I'm sorry, Rajat Sahab, once again. तुमने ये झूठ क्यों बोला कि तुम गाने वालियों की कद्र करती हो? मैं जानता हूं कि तुम उनसे सख्त नफरत करती हो। कभी कभी किसी का दिल रखना गुनाह नहीं होता। और ये माला कस्तूरी की बहन है। तुम कैसे जानती? मेरे आसपास जो कुछ होता है उसकी खबर मुझे रहती है। ये भोला है जो पिस्टल सामने पड़ी थी उसे चेक करके चला गया। क्या क्या मतलब? उसे शायद ये नहीं मालूम तुम जैसे अमीर आदमी किसी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे वो बीवी हो, गाड़ी हो या पिस्टल। सोनू, सोनू फोन का रिसीवर नीचे रख दो। साहब, आपके मम्मी पापा रात का खाना यहीं खा रहे हैं। क्यों? वो सुबह उठते ही कहते हैं कि आज हमारा खाना नहीं बनाना, हम जा रहे हैं। फिर खाने के वक्त कहते हैं जल्दी से कुछ बना दे। तुम उनकी बात मत सुना करो, रोज खाना बना दिया करो। जी साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीपक धवन। हेलो इंस्पेक्टर। दीपक साहब, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? नगवा मर्डर केस के सिलसिले में इंटरोगेशन के लिए। इंटरोगेशन फिर से? जी ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। कल नहीं, अभी। वैसे मेरे पास आपके लिए अरेस्ट के लिए वारंट भी है। अरेस्ट? इंस्पेक्टर, मैंने नगवा का मर्डर नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपने किया? बस यही साबित करने के लिए कि आपने नगवा का मर्डर नहीं किया, आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलिए। खाओ आप भी। साहब साहब, एक मियां बीवी आपसे मिलने आए हैं। उनको कहो कि वो जो भी कुत्ता बिल्ली या जो भी लाए हैं उनको छोड़ जाएं, मैं शाम को देख लूंगा। नहीं साहब, वो खुद कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं। पापा, मियां बीबी झगड़ा क्यों करते रहते? सब नहीं झगड़ते बेटे। अच्छा जाओ, उन्हें बुला लाओ। बाँ, ये उठा लो प्लीज। बाय अभी ले जाओ। नमस्ते जी। राधा बेटी, हम बहुत जरूरी काम से आए हैं, हमें मिस्टर बजाज से मिलना है। आप ही मिस्टर बजाज हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, छोड़िए मिस्टर बजाज, हम लोग यहाँ बिल्कुल नए हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप दीपक के माता पिता हैं? मुझे मालूम है। मिस्टर बजाज, दीपक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बात दरअसल ये है कि बेगुनाह दीपक को जी। वो तो सब जानते हैं, हम इसलिए आए हैं मिस्टर बजाज, हम चाहते हैं कि आप दीपक की जमानत करवा दीजिए। लेकिन पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार क्यों किया है? वो मर्डर के इल्जाम में सर। मतलब है इंसान हालात से मजबूर होकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारे बेटे जैसे कौन से हालात थे? कत्ल की रात मरने वाली ने आपके बेटे को एक खूबसूरत औरत के साथ देखा, वो औरत घबरा गई। लेकिन आपके बेटे ने उस औरत से कहा कि अगर उस लड़की ने अपनी जबान खोली तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी सुबह वो लड़की अपने कमरे में मरी हुई मिली। जी जाहिर है कि पहला शक तो आपके बेटे पर ही जाएगा। उसने ऐसा अगर कहा भी हो लेकिन मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, अपनी औलाद सबको प्यारी होती है। लेकिन आप ही बताइए, क्या आप कभी ये सोच भी सकती थी कि आपका बेटा सगाई के बाद शगुफ्ता जैसी नेक लड़की को छोड़कर किसी और का हो जाएगा? हम यहाँ आपकी मदद लेने के लिए आए हैं, अपने बेटे की बुराई सुनने के लिए नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जो बुराइयों का हकदार है ना तो मैं उसकी कोई तारीफ कर सकता हूँ और नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी। हाँ जी, हाँ जी, चलो।
आओ बैठो। दीपक के मम्मी डैडी क्यों आए थे? मुझसे ये कहने कि मैं उनके बेटे दीपक की जमानत देता हूँ। जमानत? हाँ, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है नगमा मर्डर केस में। तो आपने क्या कहा? जिसने हमारी शगुफ्ता को धोखा दिया, हम उसकी मदद कर सकते हैं। क्यों राधा? आपने जो कहा ठीक कहा मिस्टर बजाज। माँ बाप तो बच्चों की तरफदारी करते ही हैं। तुम क्या समझती हो? खून दीपक ने किया है ना? शक और हकीकत में फर्क होता है मिस्टर बजाज। हो सकता है आपका शक सही हो सकता है गलत हो। मैंने तुम्हारी राय मांगी थी। माँ बाप की तरह दोस्त भी दोस्तों पर शक नहीं करते मिस्टर बजाज। तो मुझे दीपक की जमानत दे देनी चाहिए। आप अपने उसूलों के खिलाफ मत जाइए मिस्टर बजाज। हो सकता है कोई और उसे बेगुनाह समझकर उसकी जमानत दे दे। यू आर राइट। तुम तो खुश हो ना शगुफ्ता, तुम्हें धोखा देने वाले को सजा मिल रही है। दिल तोड़ने की सजा तो उसे मिल ही चुकी थी मिस्टर बजाज, अपना जाने की सजा उसे क्यों मिल रही है? अच्छा, मैं तैयार होके आता हूँ, फिर दफ्तर चलते हैं। राधा, अगर तुम कहो तो मैं अपनी तरफ से बात करूं बजाज साहब से। नहीं शगुफ्ता, बाय राधा। लेकिन क्यों, तुम क्यों चाहती हो कि मैं दीपक की जमानत दूं? क्योंकि वो बेगुनाह है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने उसे पूछा था। तो क्या कोई गुनाहगार पूछने पर कह देगा कि वो गुनाहगार है? मेरा दिल यही कहता है। तो अपने दिल की बात बजाज साहब से क्यों नहीं कहती? उन्हें क्यों नहीं कहती दीपक की जमानत देने को? ठीक है जय, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती ना? ओके बाय। दादा, दादा तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती? मैं दीपक की सिफारिश मिस्टर बजाज से कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उसे मुजरिम समझते हैं। भाई मुजरिम तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन दादा अगर तुम मेरी बात का जवाब सच से दोगी तो मैं दीपक की जमानत दे सकता हूँ। जो तुम पूछना चाहते हो उसका जवाब है हाँ, नगमा ने उस रात दीपक को मेरे साथ ही देखा था। और क्या उसने ये भी कहा था कि अगर उसने जबान खोली तो वो उसकी जान ले लेगा? हाँ, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तुम दीपक से प्यार करती हो? मैं उसके प्यार से घबरा गई थी, इसलिए उस रात उसे यही कहने गई थी कि मैं उसे अब कभी नहीं मिलूंगी। फिर उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? उससे छुटकारा पालो, आजाद हो जाओ। अपनी आजादी की कीमत उसकी जान से नहीं दे सकती मैं। तो क्या सोचा तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? मेरी जिंदगी के बारे में यही कि उस कातिल से अपने आप को कैसे बचा सकूं। नहीं, मेरा मतलब है कि बच जाने के बाद जिंदा रहने के लिए। उसके बारे में तो कुछ सोचा नहीं। लेकिन मैंने सोचा, वो ये है विस्की कि जो जगह तुम्हारी बहन के मर जाने से खाली हुई है उसे तुम संभालो। You mean to say? हाँ वही, जो काम करके तुम्हारी बहन ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें तालीम दिलवाई है वो। मेरी बहन ने मुझे तालीम इसलिए नहीं दी, मेरी परवरिश इसलिए नहीं की कि मैं उसकी तरह शर्मनाक जिंदगी गुजारूं। तो तुम समझती हो कि तुम्हारी बहन की जिंदगी शर्मनाक थी? बेशक, लेकिन उसका प्यार भी पूछ लिया था। तो इसका मतलब है कि तुम हमारे बारे में भी कुछ अच्छा नहीं सोचती उसकी। मैं यहाँ किसी के बारे में सोचने के लिए नहीं आई हूँ अब्दुल भाई, मैं अपनी बहन के कातिल का बदला लेना चाहती हूँ। गुड,
तो इसके बारे में ना तो किसी को बताना और ना ही कुछ सोचना। बाकी रही कस्तूरी के कातिल की तलाश की बात, तो उसके बारे में वो हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे यकीन है कि यह खून दीपक ने नहीं किया है, वो बेचारा तो सिर्फ हालात का शिकार है। मिस्टर दीपक, तुमसे कोई मिलना है। मुझसे? हाँ बैठे। हाँ दीपक, मैं जेके के साथ आई हूँ तुम्हारी जमानत देने। वो ऑफिस में है, थोड़ी देर में तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन तुम्हें खुद यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैंने इस बारे में सोचा था लेकिन आए बिना रह ना सके। अगर मिस्टर बजाज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा, मैं जय के साथ आई हूँ और जमानत भी वही दे रहा है और वो मिस्टर बजाज को नहीं बताएगा। अच्छा राधा, तुम जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैंने जी किसी कहा है तुम्हारे लिए किसी अच्छे से वकील का इंतजाम कर देगा। राधा, मैंने तो सोचा था तुमने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया है। हाँ, लेकिन तुम्हें मुसीबत में देखकर तुमसे दूर नहीं रहा गया। अब मुसीबतों से दूर रहना। मुसीबत जब आती है कुछ करिए। आइए साहब। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है। हद से गुजरा तो